सो रिपीटेशन से बचने के लिए क्या बता रहा हूँ कि हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। फंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि हम क्या करेंगे कि एक दफा कोड लिख लेंगे और उस कोड को क्या करेंगे, अब हम रीयूज करेंगे उस कोड को, हम क्या करेंगे रीयूज करेंगे। अच्छा, तो क्या मैं अब इसी सेम एग्जांपल में एक फंक्शन बना सकता हूँ जो मेरे लिए इनपुट ले ले या उसको क्या कर दे, डिस्प्ले कर दे इंफॉर्मेशन को। तो फिर मैं यहाँ स्ट्रक्चर्स के साथ एक फंक्शन बना रहा हूँ, लेट्स से फंक्शन का नाम है void, void इसका नाम मैं रखता हूँ get, get फंक्शन जो है वो इनपुट लेगा, क्या इनपुट लेगा, यही वाला जो काम यहाँ हमने किया था, सारे कोड को मैं फंक्शन में मूव कर रहा हूँ, सही है। अच्छा, अब अगर मैंने ये किया तो फिर मुझे ये करना है कि इसी तरह से जब फंक्शन टू को कॉल करूंगा तो फंक्शन जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसको भी कॉल करवा लूंगा, ये ऑब्जेक्ट वन था, अब इस सारे की जरूरत है इसकी, इस सारी चीज की हमें जरूरत नहीं। अब मैन में क्या करेंगे, मैन में मैं अगर सिंपली यहां ये कहता हूं कि लेट्स से कैसे कॉल होगा, फंक्शन कॉल करने, फंक्शन को कॉल करने का तरीका ये होगा कि फंक्शन का नाम लिखेंगे और कॉल हो जाएगा, सही है। अच्छा, ये तो चीज होगी हमारे पास जब हमने उसे क्या करना है इनपुट लेनी है, तो डिस्प्ले के लिए क्या करूं, डिस्प्ले के लिए क्या करूं, डिस्प्ले का भी ये बनाना पड़ेगा फंक्शन। सो मैं यहां कह रहा हूं void, एक था get, जो पहले वाला फंक्शन था वो था get, इसको मैं इसका नाम रख रहा हूं मैं set, और जो दूसरा फंक्शन है उसे मैं कह रहा हूं get, ठीक है। ये क्या करेगा, एक और इसी तरह से स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा set फंक्शन के अंदर, उसको हमने क्या कहा था स्टूडेंट टू कहा था, तो मैं उसी को यूज कर लेता हूँ स्टूडेंट टू के लिए, हम क्या करेंगे डिस्प्ले करवा लें। अच्छा सॉरी, तो ज्यादा ही कॉपी हो गया जी, ये प्रोसीजर होगा डिस्प्ले के लिए। ठीक है, यही होगा ना। अब मसला ये है कि अगर मैं यहां फंक्शन कॉल करता हूं गेट और साथ में पहले सेट कॉल करना चाहिए और फिर फंक्शन गेट, सेट फंक्शन ने क्या करना है, सेट फंक्शन ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसके लिए इनपुट लेनी है और उस इनपुट को जैसे इनपुट खत्म हो रही है तो फिर हम गेट फंक्शन को कॉल करें, गेट में एक और ऑब्जेक्ट एस टी वन बन रहा है और उसको हम क्या करना चाह रहे हैं डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम समझें, सेट फंक्शन कॉल हुआ है फर्स्ट टाइम, हम नेम्स इनपुट कर रहे हैं, और जीपीए की वैल्यू, लेकिन जैसे ही मैं ये इंटर करूंगा तो मेरे पास डिस्प्ले में क्या आ रहा है, गार्बेज वैल्यूज आ रही। सो मैं कोड ओपन करता हूं, आप देखें और बताएं कि क्या रीजन। डिस्प्ले के लिए सेट फंक्शन जब इनपुट ले रहा है तो वो इस एसटीडी वन ऑब्जेक्ट के लिए इनपुट ले रहा है जो कि इसका लोकल वेरिएबल है, जो क्या है इसका लोकल वेरिएबल, यहां तक उसने इनपुट ले ली, ये इनपुट किस में हुई थी एसटीडी वन,
जैसे ही इस फंक्शन की कॉल खत्म होगी तो ये std1 तो लोकल वेरिएबल था, std1 क्या था लोकल वेरिएबल फंक्शन का, उसने जो इनपुट लिए वो तो वेस्ट हो जाएगी बिकॉज फंक्शन की कॉल खत्म, तो std1 ऑब्जेक्ट भी। तो जो इनपुट वन आपने स्टूडेंट वन के लिए इनपुट लिए, इनपुट तो हुई है लेकिन जैसे ही सेट फंक्शन के बाद कंट्रोल यहाँ गेट में पहुंचेगा तो गेट में तो नया ऑब्जेक्ट बन रहा है, वो तो उसके नए लोकल स्कोप में ऑब्जेक्ट बन रहा है। आपने तो इस std1 के लिए इनपुट ली नहीं है, उसका नेम कैसे डिस्प्ले हो सकता है? इसका नेम डिस्प्ले नहीं हो सकता। ग्लोबल वेरिएबल के साथ किया जा सकता है बट ग्लोबल के साथ हमने करना नहीं है बिकॉज नॉर्मली हम वेरिएबल्स हैं वो मैन के अंदर बनाते हैं, ग्लोबल वेरिएबल नहीं बनाते। सो अगर खाली तो आउटपुट आपने डिस्प्ले करनी है तो एक बड़ा आसान तरीका ये है कि क्या मैं यहाँ ये जो मैंने यहाँ पे इनपुट ली है इस इनपुट को जो कि std1 में है इसको डिस्प्ले कर सकता हूँ, यहाँ डिस्प्ले कर सकता हूँ। लेकिन अगेन जब भी फंक्शन खत्म होगा तो वो जो डिस्प्ले वाली वैल्यू है या जो वेरिएबल है वो तो खत्म हो जाए, तो क्या करते हैं हम नॉर्मली? होना ये चाहिए कि ये जो सेट का फंक्शन है इसको स्टूडेंट टाइप का एक आर्गुमेंट मिलना चाहिए एस, और एस में जो वैल्यू आएगी, चलिए उसको मैं std1 ही कह देता हूँ, std1 मैं चाह रहा हूं। अब इसको ये कहां से मिले? आर्गुमेंट में मिले। सो ये यहां नहीं होगा, पहली बार सेट फंक्शन को मैं क्या करूंगा, एक आर्गुमेंट भेजूंगा। कहां से भेजूंगा? अब मैन से भेजूंगा। तो मैन में अब ये जो वेरिएबल्स हम बनाएंगे, ऑब्जेक्ट्स हम बनाएंगे, वो कहां बनाएंगे? हम मैन के अंदर बनाएंगे। और मैं इसको आर्गुमेंट में क्या पास कर दूंगा? एस पास कर दूंगा। आर्गुमेंट में क्या पास करूंगा? इससे क्या होगा कि यहां से एस ऑब्जेक्ट पास होगा। किसको? उस फंक्शन को एस आर्गुमेंट पास होगा। फंक्शन उस एस आर्गुमेंट की एक कॉपी बनाएगा स्टूडेंट वन के अंदर। पास बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज होगा, और जो कॉपी बनी है उसमें इनपुट होगी, और इनपुट होने के बाद जैसे ही फंक्शन कॉल खत्म तो वो जो इनपुट हुई थी वो भी खत्म हो जाएगी बिकॉज पास बाय वैल्यू है। क्या यहाँ पे पास में वैल्यू? और पास में वैल्यू में क्या होता है कि वहां से जो उसने वैल्यू सेंड की है वो इसको सेंड तो हुई है, इसने रिसीव भी किया है, इसने इनपुट भी लिया है, लेकिन इनपुट के फौरन बाद उसने रिजल्टेंट वैल्यू वापस थ्रो सेंड नहीं की, उसने रिजल्टेंट वैल्यू वापस सेंड नहीं की। सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आप जरा देखिए होगा क्या। सबसे पहले कंट्रोल यहां पहुंचेगा, ऑब्जेक्ट एस क्रिएट होगा, एस ऑब्जेक्ट बन गया। इस एस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट की वैल्यूज ब्लैंक हैं, नजर आ रही है? वैल्यूज क्या हैं? ब्लैंक हैं। क्या क्या ब्लैंक है? नेम ब्लैंक है, एड्रेस ब्लैंक है, सिटी ब्लैंक है, एज और जीपीए ब्लैंक। अच्छा, अब जैसे ही सेट फंक्शन कॉल होगा, सेट फंक्शन में std1 के अंदर वही वैल्यूज कॉपी हो गई, नजर आ रही है? वही सेम वैल्यूज क्या हो चुके हैं इसमें? कॉपी हो चुकी। यहाँ इनपुट तो आप ले लेंगे लेकिन जैसे ही ये फंक्शन की कॉल खत्म होगी, तो फंक्शन की कॉल खत्म होने के बाद कंट्रोल जो यहाँ वापस जाएगा, तो ये जो हम तो चाह रहे थे कि जो इनपुट हो किस में हो, इस एस में हो, लेकिन ये जो इनपुट हुई है इस एस में नहीं हुई बल्कि इसकी कॉपी के अंदर हुई है। इनपुट फंक्शन के अंदर हुई है, हम क्या चाह रहे हैं कि वो इनपुट कहाँ जाए? वापस इस एस में आए। सो बड़ा आसान तरीका आपको बताया था, पास बाय रेफरेंस या दूसरा तरीका कि इस std ऑब्जेक्ट को मैं यहां से क्या कर दूं? रिटर्न कर दूं। एक तरीका है कि रिटर्न करूं, दूसरा तरीका यह है कि पास बाय रेफरेंस यूज करूं। ज्यादा सुटेबल कौन सा है? रेफरेंस। रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर यहां स्टूडेंट लिखना पड़ेगा। चले पहले रिटर्न देख लेते हैं, एक सोल्यूशन है रिटर्न का। तो यहां पे एंड पे क्या करना पड़ेगा? रिटर्न std1। अगर रिटर्न करना है तो स्टूडेंट, ठीक है, और अगर रिटर्न कर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे यहां पे? s इज इक्वल टू
एस इज इक्वल टू सेट, और अगर रिटर्न करना है तो फिर आर्ग्यूमेंट भेजने की जरूरत भी नहीं थी, वो वही जो पहले हम कर रहे थे ना स्टूडेंट वन वहीं पे बना रहे थे और उसको रिटर्न कर रहे थे, वो ज्यादा बेहतर। इस तरह से क्या होगा, अब जब एस ऑब्जेक्ट में इनपुट होगी वो वापस रिटर्न होगा, अब जब गेट फंक्शन कॉल करूंगा तो गेट को आर्ग्यूमेंट में एस पास करना पड़ेगा यहां से, ठीक है, और गेट को अगर आर्ग्यूमेंट पास करना है तो यहां मुझे क्या लिखना पड़ेगा, स्टूडेंट कोई भी एक्स कह देता हूं या एस डी वन ही कर लें बिकॉज वो पहले यूज हो रहा है, अगर आर्ग्यूमेंट में मिल रहा है तो फिर इसकी जरूरत नहीं है, ये उसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अब जरा देखिएगा क्या होगा इसके, एस ऑब्जेक्ट फंक्शन कॉल से पहले ब्लैंक है, फंक्शन कॉल से पहले क्या है, ब्लैंक है, जैसे ही फंक्शन की कॉल होगी, जैसे ही फंक्शन की कॉल होगी और आप यहां पहुंचेंगे तो मैं इसमें वैल्यूज इनपुट करा रहा हूं, स्टूडेंट का नाम है अली, एड्रेस एबीसी, एज वैल्यू है, सिटी वैल्यू है और जीपीए की वैल्यू। अब यहां देखें स्टूडेंट वन में वैल्यूज आ चुकी हैं, इसको यहां से क्या करना है, अब हमने रिटर्न करना है, जैसे ही रिटर्न करेंगे तो ये जो एस पहले ब्लैंक था अब वो क्या हो चुका है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ ना, अभी एक लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, एस में वैल्यू आ चुकी है, एस में वो वैल्यूज आ चुकी हैं जो वहां से सेंड हुई हैं। अब जब मैं गेट फंक्शन कॉल करूंगा तो ये एस जो है ये पास होगा और किस में जाएगा, एस डी वन के अंदर जाएगा, फंक्शन कॉल हो जाएगा कौन सा, गेट, गेट जब कॉल होगा तो एस डी वन में वही वैल्यूज कॉपी होगी जो वहां एस की थी, सही है। यहां इसने क्या करना है, आप उसको डिस्प्ले करना है, फंक्शन की कॉल खत्म, सिस्टम पास और आपके पास आउटपुट जो है वो डिस्प्ले हो जाए, समझ गए बात। इस तरह से आप क्या करेंगे, पास बाय रेफरेंस की, अभी तो फिलहाल हमने क्या किया, रिटर्न का कॉन्सेप्ट यूज किया, अभी भी ये एग्जांपल जो है, अभी भी ये एग्जांपल जो है अधूरी है, जो